राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट द्वारा आज शपथनामा नाम से अपना घोषणा पत्र जाहिर किया है। यह विश्व का सबसे बड़ा झूठ है। यह घोषणा पत्र खंजीरनामा नाम से आना चाहिए था। साथ ही बावन कोई बोले कि शरद पवार अपने पूरे कार्यकाल में जनता को नहीं संभाले। पवार ने सरदारी की पार्टी बनाई, कृषि मंत्री थे, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र के लिए किसी भी तरह का कार्य नहीं किया। शरद पवार ने पूरा जीवन खंजर खोपने का काम किया है, ऐसे कड़े शब्दों में बावन कोए ने कड़े शब्दों में टिप्पणी की है। जिन्हें जो आज शपथनामा करके जाहिरनामा दिया है, ये विश्व का सबसे बड़ा झूठ है। ये खंजीरनामा के नाम से आना चाहिए था, क्योंकि शरद पवार जी का पूरा जो जीवन है, उन्होंने जनता को कभी उन्होंने संभाला नहीं। उन्होंने उनके पूरे कार्यकाल में सरदारों की पार्टी बनाई और कभी भी उन्होंने महाराष्ट्र की हित की बात नहीं की। कृषि मंत्री होने के समय में उन्होंने कभी भी देश के कृषि मंत्रालय का कोई भी फायदा महाराष्ट्र को नहीं किया, उल्टा महाराष्ट्र का नुकसान हुआ उनके कृषि मंत्री के कार्यकाल में। और अगर शरद पवार जी की बात करें तो शरद पवार जी का जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें शपथ को वैल्यू नहीं है, वहां पर वैल्यू है खंजीर को। उन्होंने 1977 में जब आनी बानी खत्म हुई थी, उस समय कांग्रेस पार्टी टूट गई थी, वो समय पर इंदिरा गांधी जी का साथ छोड़कर उन्होंने ब्रह्मानंद रेड्डी का साथ दिया था। ऐसा पवार साहब का खंजीर घोपने का उनका पूरे जीवन का अनुभव आपको दिखेगा। सामने आप जाएंगे तो 1978 में मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल को उनके पीठ में खंजीर खोपकर वसंतदादा की सरकार उन्होंने गिराई थी। आगे अगर हम जाए तो 1980 में 40 MLA फोड़कर पुलौत की सरकार बनाई, बाद में पुलौत की सरकार गिराई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। 88 में फिर कांग्रेस पार्टी में चले गए, फिर दोबारा 2019 में राष्ट्रवादी कांग्रेस तैयार की, फिर कांग्रेस के पीठ में खंजीर खोपा। आगे गए 2019 में तो फिर एक बार अजीत दादा को टारगेट बनाया, परिवार को भी नहीं छोड़ा। ऐसे शरद पवार जी शपथनामा लेते हैं, ये कोई महाराष्ट्र सुनने वाला नहीं है। शपथनामा ये पवार साहब का जो जाहिरनामा है, इसको महाराष्ट्र विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उनके जीवन का पूरा अगर सार देखेंगे, उन्होंने कभी शपथ नाम की शब्द को वैल्यू नहीं दिया है। शपथ नाम को कभी उन्होंने आगे नहीं लेके गया है। शपथ नाम का शब्द शरद पवार जी के लाइफ में कभी भी नहीं है। वो शपथ लेते हैं, दूसरे दिन बदल जाते हैं, परिवार में भी बदल जाते हैं, स्टेट में भी बदल गए, केंद्र में भी बदल गए। उनका जीवन सारा खंजीर खोपने का काम किया। अगर शरद पवार साहब शपथनामा के जगह खंजीरनामा अगर रख देते नाम, तो ज्यादा अच्छा रहता।